मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के आह्वान पर प्रदेश भर के सिंचाई विभाग के कर्मचारी दो दिन की कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। प्रांतीय आह्वान पर आयोजित दो दिवसीय हड़ताल के चलते मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने एकत्रित होकर विभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें उठाई। प्रदर्शन कर रही सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि संगठन के प्रांतीय महामंत्री गोवर्धन सिंह के गलत स्थानांतरण और बीते दो वर्षों से पदोन्नत कर्मचारियों की पद स्थापना न किए जाने के कारण कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। मंगलवार को दो दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की और शासन से अपनी मांगें पूरी किए जाने की बात उठाई। संगठन के निर्देश पर आयोजित दो दिवसीय कलमबंद हड़ताल के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद दानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी दानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हमें आप जिंदाबाद आवाज दो ये दो दिनीय कलमबंद हड़ताल है क्योंकि सभी वहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो हमारे आलोक कुमार जैन प्रमुख अभियंता हैं जल संसाधन वहाँ खुले में मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। 2018 से आज तक किसी की भी पदस्थापना नहीं की गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री गोवर्धन सिंह का दर के धमका के कहते भी उनका मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये भी हमारी संज्ञान में आया है कि आज हमारे अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष श्री कृतार सिंह का भी हमको कमज़ोर करने के लिए और उनका भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया है फिर आपने? आप हमारा प्रदर्शन ये है कलमबंद हड़ताल है और जो हमें अग्रिम निर्देश मिलेगा उसके लिए हम तत्पर हैं, करो और मरो। सिंचाई विभाग हमारी दो दिवसीय कलमबंद हड़ताल ऑनलाइन ट्रांसफ़र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरोध में दो दिवसीय कलमबंद हड़ताल है हमारी और हमारे अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री का जो ट्रांसफ़र जो किया गया है उसके विरोध में दो दिवसीय कलमबंद हड़ताल है और जैसा प्रांत का निर्देश मिलेगा आगे लड़ाई लड़ी जाएगी।